हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर पर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं पोलैंड यूरोपियन कंट्री में, कैसे जाएंगे, क्या सैलरी होता है, कितना खर्चा होता है और जॉब्स कैसे होता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आप आखिर तक बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन का चूक हो जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो आखिर तक बने रहना चाहिए ताकि आपको इन डिटेल्स में समझ में आए। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था पोलैंड का जॉब को लेके। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो आई बटन लिंक दे देता हूं, जाके जरूर देख लीजिए एक बार, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने कल प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आज का जो वीडियो है इसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आज का थंबनेल आपने देख के क्लिक किया होगा, मैंने लिखा है फ्री वीजा, फूड अकोमोडेशन, यानी कि फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, और गुड सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी। तो जैसे मैंने बताया है दोस्तों, फ्री वीजा का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए तो आपको फ्री वीजा ही मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई एजेंट्स नहीं है, ना बीच में कोई बंदा नहीं है जो आपको चार्ज करे। आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें किसको, कंपनी को। अगर आप डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोसेस है वो फ्री में होगा। कुछ पैसा आपको देने होंगे वीएफएस ग्लोबल में, जो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आज आपको वेबसाइट बताने वाला हूं कि भाई कौन सा वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपको सबसे पहले बनाना है यूरोपा सीवी, सबसे पहले, चाहे आप कितना भी क्वालिफिकेशन से क्यों ना हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपना एक यूरोपा सीवी बना लीजिए और साथ ही एक कवरिंग लेटर, दोनों रेडी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं अभी मना करूंगा जो 10th क्लास पास नहीं है। ये उन लोगों के मैं हर समय सजेस्ट करूंगा दोस्तों जो 10th क्लास पास है। ठीक है, 10th क्लास फेल भी जा सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होती है, और जो 10th क्लास पास है उनके लिए बहुत आसान है, अगर आपके पासपोर्ट जो है वो इसी एनआर है तो। अगर इसी आर है दोस्तों तो प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, तब क्या करना है, आपका सीवी बना लेना है यूरो पास और कवर लेटर, साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, पासपोर्ट हो, फोटो हो, जो भी है, सब कुछ प्रॉपर बना के मैं जो वेबसाइट देने जा रहा हूं उस वेबसाइट में दोस्तों आपको क्लिक करके लॉगिन करके अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे इन डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दे दे रहा हूं, उस लिंक में जाइए, अप्लाई कीजिए जॉब के लिए और आपको कंपल्सरी जॉब मिलेगा। तुरंत नहीं मिलता है क्योंकि आप जैसे लाखों लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट में अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों तो कभी ना कभी आपको बहुत जल्दी, कभी ना कभी का मतलब 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको कोशिश करते रहना है। ऐसे वेबसाइट में कंटिन्यूअसली जितना भी वैकेंसी आता है दोस्तों, हर वैकेंसीज में जो आपका प्रोफाइल में मैचिंग करता है उस हिसाब से आपको अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, आपको हर कंपनी, मतलब रिप्लाई तो आता ही है लेकिन इंटरव्यूज बहुत कम कंपनीज कराते हैं। जैसे आपका प्रोफाइल उनको पसंद आ गया, आपके साथ वो इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू अगर सिलेक्शन होता है तो आपको वो भेजेंगे ऑफर लेटर, ऑफर लेटर के बाद दोस्तों आपको उसको प्रॉपरली साइन करके वापस भेज देना होगा। अगर आप में से किसी को दिक्कत होता है जब आपको ऑफर लेटर आता है तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपको सहायता करूंगा हर चीज का प्रोसेस बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, जैसे आप ऑफर लेटर भेजते हैं वो आपके बिहाफ में आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, कुछ ही दिन के बाद आपको वर्क परमिट आ जाएगा, फिर आपको जाना है वीएफएस में। यहाँ पर आपको खर्चा होता है, जो वीएफएस का चार्ज होता है दोस्तों, जो फ्लाइट का चार्ज होता है दोस्तों, जो इंश्योरेंस का चार्ज होता है, वो सारा आपको पे करना होगा, और ये ज्यादा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, बहुत कम अमाउंट होता है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। वीएफएस के लिए भी मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हालांकि इंटरव्यूज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, इंश्योरेंस चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, फ्लाइट टिकट चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगा, ओके, जो जो हेल्प चाहिए आपको मेरे से मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर दूंगा। ये होने के बाद दोस्तों, जैसे आप वीएफएस जाते हैं, कुछ दिन के बाद आपका वीजा आपके घर में पहुंच जाएगा बाय कुरियर। ठीक है, तो है ना आसान चीज, किसी को पैसे देने से अच्छा है अगर आप कंटिन्यूअसली ऑनलाइन अप्लाई करते रहेंगे दोस्तों, तो आपका जॉब पक्का हो जाता है। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं होता कि भाई जॉब 100% हो ही जाएगा, बट हाँ अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो एक दिन आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो देर किस बात की, जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, सारे वेबसाइट में जाके क्लिक कीजिए, क्लिक करेगा जो भी पेज आता है उस पेज में जाकर आप लॉग इन करें और अपना
डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करें दोस्तों। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, आशा करता हूं कि आपको आज हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों के लिए सहायता जरूर हुआ होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आप मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में जाके आप फॉलो करके आपको जो भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।